गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल. एक्सरसाइज 4.3 एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है. 4.3 में आपको निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी इक्वल फ्रैक्शन. इक्वल फ्रैक्शन कैसे फाउंड आउट करते हैं बेटा? या तो मल्टीप्लाई करके और या डिवाइड करके. फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 8/16 इज. अब आपको चार ऑप्शन गिवन है, एक में प्लस का रखा है, एक में माइनस, एक में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक है? तो इसलिए ए और सी ऑप्शन तो आपके है ही नहीं. अब मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है ज़ीरो से, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0/0. 0/0 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, इसलिए डी पार्ट भी रॉन्ग आंसर है. आपका राइट आंसर है बी, ठीक है? डिवाइड करके आपका इक्विवेलेंट यानी इक्वल फ्रैक्शन आ जाएगा. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. अब चार ऑप्शन गिवन है, चारों के चारों देखो ज़्यादा आ रहे हैं. ये थ्री है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर थ्री है. थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, थ्री थ्री ज़ा 9. फाइव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव थ्री ज़ा 15. लेकिन ये तो 15 नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है. थ्री फोर ज़ा 12, फाइव फोर ज़ा 20. ये तो 21 है, ये भी रॉन्ग है. थ्री का 30 बनाए यानी 10 से मल्टीप्लाई. 3 10 जा 30 एंड 5 10 जा 50. लेकिन ये तो 45 है. तो ये बी सी डी आपके तीनों पार्ट रॉन्ग आंसर हैं. तो आपका 21 कैसे आया? आपको गिवन है 3/5 फ्रैक्शन, ठीक है? हमें गिवन है 21, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 21/35. ये आपका ऑप्शन ए, ये आंसर है. नाउ थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 7/3. उसमें न्यूमरेटर आपको चाहिए 63. यहाँ पे न्यूमरेटर हमें क्या गिवन है? यहाँ पे न्यूमरेटर हमको गिवन है 7 और आपको बनाना है 63. 7 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 9 से. अगर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई. 3 9 ज़ा 27. 63/27 बी पार्ट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ. सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन में आपको 7 फ्रैक्शन गिवन है. 7 फ्रैक्शन में से आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं. इसमें हम पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लेते हैं. छोटा फ्रैक्शन है आपका 1/2, ठीक है? 1/2 को हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/4. फिर हमने 1/2 लिया, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/6. 2/4 भी आपको गिवन है, या 3/6 भी आपको गिवन है. उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करके नहीं गिवन है. अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5/10, लेकिन ये तो 5/8 है. अब आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 को 111 से. 111 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है. तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए? 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 111/222. ये चारों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं और बाकी के फ्रैक्शन को छोड़ देना, ठीक है? नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है आपका फिलअप. फिलअप में आपको ये जो आपको फिलअप है ये आपको फाइंड आउट करना है. 11/55 इक्वल 30/-. इसमें आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. थर्ड के सारे पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 11 को डैश से मल्टीप्लाई करना है, 30 को 55 से. डैश फाइंड आउट करना है, 30 मल्टीप्लाई 55. ये 11 राइट साइड आके बाय में आ जाएगा. दोनों को कट करेंगे, 11 5 ज़ा 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150. डैश आया आपका 150, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका 150, ठीक है? नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 105/85 इक्वल 21/-. आपको डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 105/- इक्वल 21/85. डैश फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रहने दीजिए. 21/85 बाय में, 105 राइट साइड आके बाय में आ जाएगा. दोनों को 5 के टेबल से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया 17, इसको 5 से डिवाइड किया 21. 21 से 21 कट गया, डैश आ गया आपका 17.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री के थ्री फोर फिफ्थ आपका होमवर्क है, इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन गिवन है 8/11, आपको फ्रैक्शन गिवन है 8/11, हमें दिया हुआ है न्यूमिरेटर, अगर न्यूमिरेटर गिवन है तो ऊपर रखेंगे, अगर आपको डिनोमिनेटर गिवन होता तो नीचे रखते हैं। सिर्फ न्यूमिरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर आपको निकालना है, ये भी न्यूमिरेटर है ये भी न्यूमिरेटर है। 8 को 32 बनाना है, 8 को 32 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, 11 × 4 = 44, 32/44 इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 27/36। अब इसमें आपको डिनोमिनेटर गिवन है, अगर डिनोमिनेटर गिवन है तो इसको नीचे रख लेते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है तो नीचे रख लिया, यहाँ पे न्यूमिरेटर गिवन था तो हमने ऊपर रख लिया। अब दो डिनोमिनेटर हैं, इनको चेक करेंगे, 36 को 4 बनाना है, 36 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवाइड कितने से करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 9, नीचे भी 9 से डिवाइड, ऊपर भी 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे, 3/4 इज योर आंसर। यहाँ 8 को 32 बनाना था, हमको ज़्यादा करना था तो मल्टीप्लाई किया, 36 को 4 बनाना था आपको कम करना था इसलिए हमने डिवाइड किया। फोर्थ के सेकंड और फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर गिवन है तो आपको नीचे रखना है, ठीक है। आपको देखना है एक में मल्टीप्लाई करना है एक में डिवाइड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको गिवन है 5/7, 5/7 के आपने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे आपके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 25/35। ये 5 फ्रैक्शन आपके इक्वल हैं, 5/7 इक्वल 10/14 इक्वल 15/21 इक्वल 20/28 इक्वल 25/35, ये 5 फ्रैक्शन आपके इक्वल हैं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको सिर्फ 3 गिवन है, अब इसमें डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे बाय में 1 लगा लो, ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6/2, फिर 3/1 लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/3, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/4, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/5, आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, 3/1 इक्वल 6/2 इक्वल 9/3 इक्वल 12/4 इक्वल 15/5, ये सारे आपके इक्विवेलेंट यानी इक्वल फ्रैक्शन हैं, ऊपर 3 का टेबल चल रहा है, नीचे 1 की काउंटिंग चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपको गिवन है 2/5 - 20 इक्वल 20/-, पहले हम इन दोनों को लेते हैं, 2/5 इक्वल डैश बाय 20, 5 है, 5 से 20, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 10। यहाँ आपको अब इन दोनों को ले लिया, 2 को 20 बनाना है, 2 को 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 5×10 = 50, इस वाले डैश में आ गया 8, इस वाले डैश में आ गया 50, पहले इन दोनों को लिया फिर इन दोनों को लिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपने करना है, ओके। एक्सरसाइज 4.3 आपको कंप्लीट करनी है, ओके, थैंक यू।